पहचाना दोस्तों, ये है नरगिस, संजय दत्त की मम्मी। ये उस जमाने के हिट एक्ट्रेस हैं। इसमें आप धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी एंड ये बच्चा जो है सनी देओल है। इसमें धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी एंड पीछे एक शख्स और है। धर्मेंद्र नहा के आया, पोज देने लगे। ये धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी के खूबसूरत, इसमें किसी गाने की शूटिंग हो रही है। इसमें धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी कहीं शहर के लिए टनल में गई हुई है। धर्मेंद्र उसे काफी हैंडसम लग रहे हैं। इसमें हेमा जी बिल्कुल यंग है और वो धर्मेंद्र से कुछ कर रहे, जैसे धर्मेंद्र कान लगाकर आराम से सुन रहे हैं। इसमें वो हेमा जी बिल्कुल यंग है, ये भी किसी मूवी का पिक है। दोनों के भी संवाद चल रहा है। धर्मेंद्र सीरियस लग रहे हैं। देखो जवानी में हेमा कितनी खूबसूरत लगती है, वो इसमें स्विमिंग पूल में एक पोज दे रही है। लुकिंग गॉर्जियस, वाओ क्या सुपर क्यूट है हेमा जी। इसीलिए तो धर्म जी अपना दिल हार बैठे इनके ऊपर, क्या स्टाइल है। इसमें हेमा जी एंड जितेंद्र हैं। जितेंद्र उस जमाने बहुत ही हैंडसम अभिनेता थे। हेमा जी एकदम कहर लग रहे हैं, कहर। अच्छे अच्छे लोग इनके दिल हार बैठे हैं। हमारे पिताजी की फेवरेट एक्ट्रेस हैं। वाओ इनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं और उस पे भी मस्त काजल लगा जो और भी इन्हें शराबी बना देते हैं। इन्हें बजाना अगर नहीं जानते हो तो हमें बताइए, कमेंट करके हम इनका आपको नाम बता देंगे। अगर नाम बता दो वो भी कमेंट करके बता सकते। एक जमाने के हिट एक्ट्रेस थे ये आशा पारेख जी, इनको आप लोग सभी लोग जानते होंगे। ओ बेचारी हेमा जी को चोट लग गई, बिना इनका ब्लड बाहर आ रहा है और वो बेचारी थोड़ी साइड भी लग रही है, ज्यादा चोट। धर्मबाजी की फर्स्ट वाइफ है, ये भी अच्छी लग रही है। साथ में सनी देओल एंड उनके डॉटर है। सनी बहुत छोटे हैं। धर्मबाजी फैमिली के साथ में है। न्यूली मैरिड, जब सिर्फ एक ही बच्चा हुआ था। ओल्ड वाली वाइफ, धर्मबाजी एंड हेमा मालिनी किसी से बात करते हुए और साथ में उनके डॉटर भी है, शायद किसी पार्टी। ये बहुत ही रेयर पैकेज में धर्मेंद्र एंड शाहरुख खान नजर आ रहे हैं। दो एक्ट्रेसेस भी है, केक काट रहे हैं शायद किसी। इसमें दो ओल्ड एक्ट्रेसेस है, दो बच्चे भी नजर आ रहे हैं लेकिन सही सही इनका नाम नहीं मालूम मुझे। इस फोटो में कौन दिखा आपको? सही सोच रहे, दिलीप साहब है, जस्ट मैरिड के उपरांत। और एक लेडीज इन्हें जानते हो, विरोध करना है वो डिंपल कपाड़िया। मुझे तो वही लग रहे हैं, आपको कौन लग रहे हैं? ये तो पक्का डिंपल ही। इसमें डिंपल कपाड़िया और इन्हें से पहचानते हैं आप? ये शायद काका ही हैं। ये किसी बहुत ही पुरानी मूवी का सीन शूट है। इसमें संजय दत्त हैं जब वो यंग थे और सर राज बब्बर हैं। शायद किसी बात को लेकर इनके बीच अनबन हो गई है। इसमें रजनीकांत, संजय दत्त, विनोद खन्ना एंड शक्ति कपूर एंड बहुत से लोग भी नजर आ रहे हैं। सनी देओल, डिंपल कपाड़िया एंड एक ये जसमीन नजर आ रहा है जो जिसने बहुत ही बेकार पोज दिया। इसमें अशोक कुमार, राजेश, डिंपल कपाड़िया एंड वन पीस और नजर आ रहा है, वो कौन आपको नाम बताना। इसमें भी डिंपल कपाड़िया अपनी माँ के साथ नजर आ रहे हैं और उनके फैमिली के सदस्य भी हैं। क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? ये इनकी मैरिज टाइम का फोटोज है, बहुत ही पुराना, बहुत ही रेयर फोटोज है। और ये दुल्हन के पास में डिंपल कपाड़िया और ये जब मैरिज हो रही होती है तब का फोटो है। वो देखो कि मासूम नजर आ रही है, जस्ट क्यूट। आफ्टर मैरिज टू किड्स और वो इसमें ट्विंकल खन्ना जो बहुत ही छोटी बच्ची लग रही है, थोड़ी भी बच्ची है। पेरेंट अच्छी फोटो ओल्ड है, इसमें सभी लोग यंग लग रहे हैं। आपको इस बच्ची का नाम बताना क्या है? पहचाना है इन्हें? ये आज के जमाने में हिट एक्ट्रेस रह चुकी हैं। अगर इन बच्चों को पहचान गए तो उनका नाम हमें कमेंट करके बताओ। सुपर अनिल कपूर, गुड वाइफ एंड टू किड्स, इनके तो पक्के नाम आप लोगों को पता होगा, कमेंट करके जरूर बताओ। ये बच्ची इसमें देख रही है, इसका नाम बताओ। ये अपनी बहन के साथ में काजोल है, यहाँ सही से देखो। इसमें काजोल इनके फादर एंड उनकी सिस्टर है। वो काजोल पहले कैसे लगती थी और उनके फादर भी। बहुत ही क्यूट एंड रेयर फोटो भाई है। वो अपनी मम्मी को किस कर रहे हैं चेक पे, वो कहता है लड़कियां ज्यादा करीब होती है ना। इसमें जो नजर आ रही है ये रेखा है, उस टाइम यंग हुआ करते थे और खूबसूरत भी लगती थी। ओ गॉड, इनका नाम जानते हो आप लोग? ये सन 70 की हार्ड एक्ट्रेस हुआ करते थे। देख के नहीं लग रहा आपको कितनी अच्छी केमिस्ट्री इन दोनों की लग रही है? पहले जाने की फिल्म है एंड उनके सॉन्ग बहुत ही अच्छे हुआ करते थे और एक्टिंग भी नेचुरल। दुबली पतली लड़की को जानते हो आप? नहीं जानते हो? ये फरहान आज है, तब्बू की सिस्टर। इनकी ओल्ड फिल्म देखो, बहुत अच्छी। इसमें ट्रेसेस को मत देखो, पीछे ब्रेसपुरी को देखो। ऐसा नहीं लग रहा अभी ठोकने वाले हैं, सॉन्ग खत्म होने का इंतजार। क्यूट एंड रेड फोटोज, इसमें टेंगे कल लग रही है, बिल्कुल गजब ऑसम है यार। देखा ये दोनों लोग सेम ही हैं, जब छोटी बच्ची थी और फिर जब बड़ी हो गई अपनी माँ डिंपल के साथ। ये ट्विंकल हैं, इसे देख के तो मजा आ गया, बिल्कुल भी मस्ती करते हुए। छोटे बच्चे बच्चे अंत हो कौन, इनका आप नाम बताओ। मालूम 100% आपको पता। कैसी लगी ये फोटो आप लोगों को? है ना शानदार अंदेखी तस्वीर? पहचानते हैं इन छोटे बच्चों को? नाम बताओ। इन दोनों का नाम हम ही बता देते हैं, आप लोगों को तो शायद पहचान ही गए होंगे। अभिषेक एंड श्वेता है, जो वो बच्चे थे। पहचाना इन्हें? ये फिल्म वाले लापरवाह माँ है। क्या इन बच्चों का नाम जानते हैं आप? अगर हाँ तो कमेंट डाउन करके बताएं। दो मुंडुआ एंड पोलियो होगा, कौन है पोलियो खुराक ले रहा आप लोगों को पता है क्या? जितने की खुशी बिल्कुल साफ झलक रही है इस बच्चे के ऊपर। इसमें क्या ब्राइज है और कौन है एक्टर ऐसे पता है? बहुत ओल्ड पिक है, जब बंगाली लोग ज्यादा ही एक्टिव थे बॉलीवुड में। फिल्म के साथ एक फैमिली, बंगाली लोग क्यूट होते हैं, इनको तो 100% पहचानते होंगे। सोनम एंड अर्जुन, देखो पहले सोनम कपूर कैसे दिखती थी और अब देखो, जान गए इनको। मुझे तो ये नरगिस लग रहे हैं, आपको क्या लग रही है? जो भी अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग नाम इनका कमेंट कर दे। पहचाना इन्हें? अरे ये प्रीति जिंटा उनके सिस्टर एंड उनकी मदर है। ये लेफ्ट वाली प्रीति जिंटा ही है। इसमें भी प्रीति जिंटा अपनी फैमिली के साथ में, मतलब अपनी मम्मी के साथ में, और उनका भाई भी है, उनकी बहन। इन्हें बजाना
ये क्यूट काजोल है अपनी मम्मी और सिस्टर के साथ। काजोल ने तो इसमें दिल जीत लिया यार। ये भी काजोल है जब उन्हें बहुत छोटे बच्चे थे और मम्मी उनके बिल्कुल यंग थे। वाह कितनी प्यारी लग रही है ना काजोल। दरअसल छोटी बच्ची लगती है आसमान और जब अपने मदर के साथ है तो बहुत ही अच्छी लगती है। इन्हें जान पाए आप लोग ये पृथ्वीराज कपूर इनके साथ में एक कोई डायरेक्टर है और साथ में उनकी वाइफ भी है। ये बहुत पुरानी पिक्चर जो हंस रहे जानते हैं इनका नाम तो काजोल रेखा है ना। उसमें कितनी अच्छी हुआ करती थी मुझे आज भी पसंद। इसमें तो रेखा अपनी सहेलियों के साथ ड्रिंक कर रहे हैं पता नहीं आप करते हैं कि नहीं। जो भी एक अच्छी एक्ट्रेस तो वही है। इसमें रेखा है और भी कई अदर सारी लेडीज हैं और एक छोटा बच्चा जो आज बहुत बड़ा हीरो बन गया। तो आपका एक्टर क्या क्यूट पिक है यार। दिलीप साहब और राजेश खन्ना नीचे बैठे हुए हैं और कितनी सारी एक्ट्रेसेस खड़ी हुई हैं। फोटो के लिए जबरदस्त विनोद खन्ना आफ्टर मैरिज पोज दे रहे थे ना। बहुत ओल्ड पिक है ये। बहुत रेयर आप लोगों को देखने को मिलेगी। लंबू जब सिर्फ लंबू हुआ करते थे लंबे और दुबले ये कौन लोग इनके साथ में आप इनका नाम जानते हैं क्या। ये देखा तब का फोटो जब उनकी सिर्फ दाढ़ी सफेद हुई थी बॉल नहीं। अभिषेक एंड श्वेता इसमें कितने इनोसेंट लग रहे हैं। अमिताभ इसमें अपने पेरेंट के साथ में यही है। हरिवंश राय बच्चन आप इनको देख लो फेमस पर यार। फैमिली तो हमेशा सुंदर ही होती है। इसमें देखो पूरी फैमिली है छोटे छोटे बच्चे। अभिषेक को दादा ने गोद लिया हुआ उनके दादा अभिषेक। जब आपको एक्स्ट्रा टाइम हो बच्चों के साथ मस्ती करो तो बहुत मजा आ जाता है लेकिन बच्चे को ढेर होना चाहिए। इतने इसमें उस जमाने में स्कूटर की वैल्यू बुलेट के बराबर थी। जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे थे वही स्कूटर ला पाता था। ये किस मूवी का सीन है पता आपको। मुझे तो लगता है मदर इंडिया का सीन है क्योंकि मुझे ये नरगिस ही लग रही है। ओ जलपरी डूब गई तेरी आंखों में क्या बोझ है यार। गजब लग रही ना आपको अच्छी लगती है इनका नाम बताओ। मालूम है तो जरूर ये क्या है भाई। इसलिए मैं पहले जमाने की फिल्में देखता हूँ। अब समझने पर उसमें शब्दों की बहुत अच्छी कॉमेडी होती है और लुक तो आप देखिए। पहले जमाने की एक्ट्रेस खाना खाए या ना खाए और काजल जरूर लगाए वो भी बहुत ज्यादा और दूर तक आंखें उसको लंबे कर। वाह मुझे लगता मुझे उसी जमाने में वापस जाना। अगर मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं 70 में पीछे वापस चला जाता। क्या सेटअप है यार। देखो व्हील चेयर कैसी है किसी फिल्म की शूटिंग का स्पॉट है और सब एक्ट्रेस भी है। बहुत दिनों के बाद मैं किसी एक्ट्रेस को मटकी के साथ देखा है। उस जमाने में ये जहर लग रही हूँ। देखो जो इस मॉडल के सांग बहुत लंबे लंबे होते थे 8-10 मिनट और डांस करते करते पैरों को वार लग जाती होगी। आज चक्का आपका भाई मरेगा। बस वो गेंद थोड़ा बड़ी होना चाहिए इसमें मुझे बड़ी बड़ी दिखी। आसम यार आसम। दिलीप सर रंजीत एंड बच्चन ये सब क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं। अगर ये लोग क्रिकेटर तो कितने अच्छे लगते ना क्या लग रहे हैं यार। गाने में अपने इंसान अपने खूबसूरत लगता ही है। वो दिलीप सर बॉलिंग कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग स्टंप पे और उन्हें क्रिकेट से बहुत लगा था वो उनका फेवरेट गेम था। ये भी एक बंगाली फिल्म डायरेक्टर है उस जमाने के मशहूर डायरेक्टर ही हुआ करते थे। इनका नाम मैं भूल गया उनका नाम मुझे पता था। दिलीप सर का रेयर पिक गेंद को आराम देते हुए बता रहे हैं उन्हें क्रिकेट का बहुत शौक था और मुझे भी है बहुत। जब भी मेरा छक्का मारने का मूड होता तो वाइड डाल देता है। वो छोड़े पीछे विकेट के ऊपर देखो सिगरेट ठोस रखी मुंह में। इस लड़के को बचाना अरे इसको तो 100% पहचान गए होंगे ना आप लोग। जरा नाम तो कमेंट करो मैं भी तो जानू। शुरुआत में सब दुबले ही होते हैं जैसे मैं भी बहुत दुबला हूँ। एक दिन तो शाहरुख खान बन ही जाऊंगा। क्या लगता है आप लोगों को कुछ बन पाऊंगा मैं या नहीं। मजा आ गया यार ये देख के। फिल्मों का नंबर 1 बदमाश सिर्फ एक गेंद के मैं होता था ना अपनी अपनी गेंद जाओ खेलो जाके। वर्ल्ड लकी मैन मीट दिलीप साहब एंड दिलीप साहब आल्सो लुक प्लेइंग बेट दैट देम जस्ट आस्क। दिलीप साहब टीम के साथ ट्रॉफी के विजयी में हुए ये उस समय के बेस्ट प्लेयर रहे होंगे तभी तो इन लोगों ने मैच जीता है। ओह गली में भी क्रिकेट ये बच्चे आप देख रहे हैं आज बड़े होकर से बूढ़े भी हो गए होंगे। हो सकता है इनमें से कोई भी रहा भी ना। अगर वाइड डाले तो बल्ले से धोऊंगा तुझे। कुतरी का एक भी गेंद मारने वाली नहीं डाला। लुड़सू फेंक लुड़सू में छक्का मारूंगा। इनको बचाना नहीं बचाना ये दिलीप कुमार जो वो यंग थे। आपको क्या लगता है आदमी बूढ़ा ही पता होता है क्या। दिलीप साहब मदर टेरेसा के साथ में और मदर टेरेसा बहुत ही साइड लग रही है। वार्ड है पेंट हर यार खा रही है डरा रही है अपनी माँ को। माँ भी सोच रही कैसे कम्बल तो वीडियो पे देखी जो मुंह पर ही खा और जरा सा भी नहीं। दिन को पहचाना अरे मम्मी है यार मेरे ने संजय दत्त की। अरे भाव नरगिस दत्त है बंगाल की थी शायद मुस्लिम के भोजन का स्टाइल देखिए मुझे भूख लग गई है ना। कितने तरीके से भोजन कर रहे हैं अच्छी तरीके आगे हम रिस्पेक्ट के साथ खाना है खा। इसमें नरगिस जी कोलकाता में किसी फैक्ट्री के अंदर है शायद उन्होंने उद्घाटन के लिए आज चीफ गेस्ट बुलाया गया हो। संजय दत्त विद पेरेंट्स क्या क्यूट लग रहे हैं संजय दत्त और सुनील सर हैंडसम लग रहे हैं। नरगिस भी कम नहीं लग रहे हैं ये नरगिस जी हैं इन्हें अपने आपको देख के शर्मा रहे हैं ना। पहले लोग आने को फ्रेंड समझा करते थे दोस्त हुआ करते चलो आज रेस है मगर सोच नहीं पहनने का। नंगे पैर भागना तुम्हें और आगे भी नहीं निकलना अगर आगे निकले तो तुम्हारी वार लगा दूंगी। क्या लग रहे हो यार क्या पोज है सरोजा तो मेरा बहुत जोर से किस करने को मन कर रहा है बट मैं उस टाइम था नहीं ना। मेरी तरफ से 10 out of 10 लंबू एंड रेखा जी इस सांग की शूटिंग हो रही है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको दोबारा फिल्म